अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड माना जाएगा, यानी खराब माना जाएगा और आपको इसके लिए 10,000 तक जुर्माना देने पड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और टाइप करेंगे इनकम टैक्स इंडिया efilling.gov.in। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक टैब शो हो रहा होगा लिंक आधार, लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद जो है अपना आधार जो आधार कार्ड पे नेम होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपके आधार कार्ड पे सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है तो आप जो इसको चेक कर देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद जो है लिंक आधार पे क्लिक कर देंगे। आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे शो हो रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हाइपर लिंक इन द होम पेज। आपका लिंक जो है यहाँ पे आपका आधार जो है पैन कार्ड जो है आपका आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है इसका स्टेटस जानने के लिए आप जो है फिर से दोबारा होम पेज पे आएंगे। इसके बाद लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे शो हो रहा है क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। अगर आप पहले से सबमिट कर चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, आप यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, इतना आपका पैन नंबर जो है आधार नंबर से जो है एंटर जो है लिंक हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपने पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।